अस्सलामुअलैकुम। तो ये जो न्यू अपडेट में न्यू फीचर आया था स्कैन ऑथोराइजेशन और लॉगिन ऑथोराइजेशन, क्या सीन था? लॉगिन जो लॉगिन पे से आपने क्यूआर कोड जो वो जनरेट करना था और न्यू डिवाइस में आईडी लॉगिन करके, मीन के सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी को आईडी जो है ना न्यू डिवाइस में लॉगिन करवाना चाहते थे या करना चाहते थे, तो आपके पास जो ओल्ड डिवाइस होती थी उससे आपने क्यूआर कोड जो है वो जनरेट करना था लॉगिन पे से। इधर जो फीचर था लेकिन उन्होंने रिमूव कर दिया क्योंकि वैसे डिसेबल था, अभी अवेलेबल नहीं था, जस्ट आया था लेकिन उन्होंने रिमूव कर दिया। आ जाएगा सोन, आ जाएगा, सही है ना? तो जैसे ही आप जो न्यू डिवाइस होगी ना उससे स्कैन करोगे तो जो ओल्ड वाली डिवाइस है ना उसकी जगह ले लेगी, मीन के वो ट्रस्टेड डिवाइस या ओल्ड जो डिवाइस जिसको बोल सकते हैं वो बन जाएगी, मीन के ट्रस्टेड वाला सीन बन जाएगा उस डिवाइस से। कोई भी इशू नहीं होना था आपके अकाउंट को कि अकाउंट लॉगिन करें न्यू अपडेट में ना करें, वो न्यू डिवाइस को ओल्ड डिवाइस की जगह देने के लिए आप स्कैन कर ले, मीन के ट्रस्टेड डिवाइस बन जाएगी। बैन शैन जो पढ़ते थे ना 7 डे का या स्कोरी रिस्को वाला, तो वो वाला सीन भी नहीं था, सही है ना? वो तो आईडी लॉगिन होगी तभी आप जो है ना वो स्कैन होगा, ऐसे स्कैन नहीं होना था, सही है? क्योंकि इन गेम से जब तक आईडी लॉगिन ना हो इधर से स्कैन नहीं होता, तो वो इन गेम से स्कैन होना था, इसीलिए वो आईडी लॉगिन होना भी ज़रूरी होती है। तो उसका यही बेनिफिट होना था कि ओल्ड जो डिवाइस है ना उसकी जगह ले लेनी थी जस्ट, मीन के न्यू डिवाइस में ट्रस्टेड डिवाइस बन जानी थी डायरेक्ट, ये वाला सीन होना था। ओल्ड जो वो रिमूव हो जाया करनी थी, ये सीन किया था पबजी वालों ने लेकिन रिमूव हो गया अभी। तो जैसे ही आ जाएगा वीडियो आ जाएगी, सही है? तो यही बताना था कि वो रिमूव हो गया, अभी फ़िलहाल जो वो उन्होंने रिमूव कर दिया। तो वीडियो करते हैं इधर ही एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।